बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सिनोनिम। यहाँ पे हमको वर्ड दे रखा है और चार विकल्प दे रखे हैं, और हमको बताना है कि कौन सा सिनोनिम इस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे जो हम पांच वर्ड्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक है पहला रेजिंग, एक है कॉनॉट, एक है स्पोरेटिक, एक है स्ट्रिंजेंट, और पांचवा है हमारा स्पेक्ट्रम। तो ये पांच वर्ड्स हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये समझिए, जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है इंग्लिश का, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े या हिंदू पढ़े, और एडिटोरियल पढ़े या सिंपल न्यूज़ पढ़े, तो वो स्टूडेंट इस पांचों क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स में दे रखे हैं, ये आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। मतलब आप रोज़ दो या तीन दिन का अखबार निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको ये वर्ड्स आपको मिल ही जाएंगे, सारे के सारे वर्ड्स। तो आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं एक और आपको सुझाव ये दे रहा हूँ कि आप ये जो बुक है हमारी 21 डेज एक्शन प्लान टू पावरफुल वर्क है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसमें एक सेक्शन है एडिटर्स इनसाइट नाम से, और उसमें हमने न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है, फिर न्यूज़पेपर, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन, और फिर इम्पोर्टेंट वर्ड को हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। इससे आपको इसमें 21 डेज का एक्शन प्लान है जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की अच्छी आदत बनती है और आपको कॉन्फिडेंस आता है, और इम्पोर्टेंट वर्ड्स से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बात बताई कि न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस बुक से आप शुरुआत कीजिए, जिसमें उसका न्यूज़ इंग्लिश में न्यूज़, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, और फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो लिस्ट आउट किए। और इसी के साथ में इस बुक में जो अपने क्वेश्चंस आए हुए हैं SSC के, CPO के, CGL के, आपके MTS के, CHSL के, वो सारे इसमें हमने दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी ये पांचों क्वेश्चंस में एक ये जो है एक दो चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। तो इसलिए इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना है। और अब मैं इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देता हूँ। तो पहला वर्ड आप देखिए है मेरा रिजीम है, और हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्लिक, कबाल, गैंग एंड अथॉरिटी। तो इसमें मैंने पेज 106 में आपको ये कराए थे इस बुक के, इसमें साइड होता है, साइड मतलब होता है किल करना, और उसमें चार बहुत सारा एक ट्री बताया था, जैसे सुसाइड बताया था, रेजिसाइड बताया था, आपका पैट्रिसाइड बताया था। तो उसमें आपको मैंने रेजिसाइड में क्या बताया था कि साइड मतलब होता है किल, हत्या होता है, और रेजी मतलब होता है राजा, ठीक है। तो राजा की हत्या करने वाले को हम रेजिसाइड कहते हैं, और रेजी अपनी ग्रीक भाषा में मतलब है उसका राजा। तो ये आपने समझा कि रेजिम जो रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू पावर, अथॉरिटी, राजा से है। और पेज 58 में एक मैंने जो एंट्रेंस इनसाइट है उसमें ये लिखा था कि जो हमारे इंडिया में जो रेगुलेटरी रिजाइम है, क्या लिखा था, रेगुलेटरी रिजाइम, और वहाँ पे मैंने रिजाइम का मतलब बताया था आपको, सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम बताया था, ठीक है। तो रिजाइम का मतलब है एक राजा, और आप समझिए गवर्निंग सिस्टम, जो एक पूरी सिस्टम को चलाता है, जिसके हाथ में पावर होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है उसका मतलब है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जैसे राजा के पास में अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटीज होती है कि वो स्टेप्स ले, वो एक्शन ले सके, वो इंस्ट्रक्शन दे सके, तो दैट इज़ अथॉरिटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेजिम का मतलब है हमारा अथॉरिटी, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं कि NDA रेजिम, कांग्रेस रेजिम, तो इसका मतलब हो गया कि कांग्रेस का गवर्निंग बॉडी या फिर कांग्रेस की शासन में, तो इसका एक मतलब निकल के शासन भी आता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए अब जानते हैं और जो वर्ड्स हैं ऑप्शन है उनके मतलब भी जान लेते हैं। तो एक तो आपने सुना होगा गैंग, जिसे गैंगस्टर होता है, तो उसका मतलब होता है ग्रोह, ठीक है, ग्रोह को हम बोलते हैं गैंग। और ये वैसे तो नेगेटिव में यूज होता है कि जैसे गैंगस्टर्स का गैंग होता है, या फिर जो अपराधियों का जो गिरोह होता है, कलेक्शन होता है, और हम ऐसे भी बोलते हैं भाई गैंग ऑफ गर्ल्स या फिर गैंग ऑफ बॉयज, मतलब जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम गैंग का नाम दे देते हैं। तो गैंग का मतलब बेसिकली है गिरोह होता है। अब मैं आता हूँ आपका जो ये वाला ऑप्शन है कबाल।
कवाल का मतलब क्या होता है? कवाल का मतलब ये होता है कि जैसे चार पांच लोग मिलके अगर षड्यंत्र कर रहे हैं किसी के खिलाफ, एक ग्रुप में कुछ लोग हैं और मिलके किसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे कवाल। तो जो षड्यंत्र करने वाला जो लोगों का जो समूह है उसको हम बोलेंगे कबाल। कबाल का जो इटिमोलॉजी है, कबाल कहाँ से आया उसके बारे में बताता हूँ। कबाल जो है, जो एक चार्ल्स डिकन का एक नॉवल था, उसमें ये था कि एक राजा के खिलाफ, एक गवर्नमेंट के खिलाफ पांच मिनिस्टर्स जो है वो कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। तो उनके जो पहले पहले नाम थे, जैसे एक का नाम था क्लिफोर्ड था, तो वो उसका सी ले लिया, फिर दूसरे का ए, उसका तीसरे का बी, ए और एल। तो उन पांच के नेम के जो स्टार्टिंग जो अल्फाबेट थे उसको ले लिया और उससे बढ़ गया वर्ड कबाल। तो उस नॉवल में उनको बोला गया था कि भाई कबाल मिनिस्ट्री, या फिर कबाल के नाम से उसको डिनोट किया गया था। और वहीं से ही चल के आ गया कि अब जो भी जैसे षड्यंत्र करने वाला जो ग्रुप है, जो लोग हैं, उसको हम बोलते हैं कबाल। तो ये इसकी टर्मोलॉजी है, मेरे ख्याल से अब आपको याद रहेगा कबाल का मतलब हमेशा। आप इसको इस नॉवल से रिलेट कर लीजिए। अब मैं आपको चलता हूँ, पहला जो मेरा वर्ड है वो दैट इज क्लिक। क्लिक का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। क्लिक जो इसका जो मतलब है वो होता है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे समूह का लोग जो आपस में तो खूब बात करते हैं बट बाहर कोई आउटसाइडर है उसको वो अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते, या फिर वो क्लोज ग्रुप, जैसे फेसबुक में होता है क्लोज ग्रुप, तो वो क्लोज ग्रुप है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे बचपन में स्कूल में होते हैं कि तीन चार बच्चे का ग्रुप बन जाता है और वो अपने में ही बात करते हैं, और कोई अगर उनसे बात करना चाहता है तो उनके ग्रुप में आना चाहता है तो उनको वो ग्रुप में नहीं आने देते, तो उसको हम बोलते हैं क्लिक। तो यहाँ पे मैंने आपको रिजाइम का मतलब बता दिया, और फिर मैंने आपको बता दिया इसका मतलब ऑथोरिटी है। यहाँ पे मैंने जो भी ए बी सी ऑप्शन बताया इसका मतलब बेसिकली ग्रुप से है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हमारा सेकेंड वर्ड। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, और ये वर्ड आपका न्यूज़पेपर में खूब यूज़ होता है और इस बुक में भी इसको दे रखा है हमने। अब आप आइए सेकेंड वर्ड कौन नोट पे आइए, और यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन नोट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कौन नॉट का क्या मतलब होता है, तो पहले एक बार आप गैस कीजिए कि करेक्ट ऑप्शंस में क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कौन नॉट, कहीं भी अगर कौन आ जाए, कहीं भी अगर कौन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि दो लोगों को या फिर तीन लोगों को आपस में कनेक्ट करना। कनेक्ट, कनेक्ट से आप समझ जाइए कौन से रिलेट कर दीजिए। ठीक है, जहां भी कौन कनेक्ट आएगा मतलब कौन, मतलब रिलेट करना या फिर एक लिंक भेजना। तो यहाँ पे नोट का क्या मतलब होता है, नोट का मतलब समझिए। नोट का मतलब रुपीज वाला नोट नहीं यहाँ पे है, नोट का मतलब होता है फैक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि किताबों में लिखा रहता है, बुक होने के बाद, पूरा चैप्टर होने के बाद लिखा रहता है इंपॉर्टेंट नोट्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नोट का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है फैक्ट कनेक्ट कर रहा है, मतलब फैक्ट दे रहा है। तो कॉन्वर्ट का मतलब हो गया आशय या फिर बताना या जताना। ठीक है, तो ये आपने समझा। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम कर लेते हैं कॉन्वर्ट का। जैसे मैं बोलूं कि गोवा ऑफन कनॉट्स एंजॉयमेंट एंड पार्टीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि गोवा का जो वर्ड है, नाम जब सुनते हैं तो ये इसका जो आशय आता है अक्सर वो आता है एंजॉयमेंट्स, पार्टीज, फन, बीच एंड ऑल। तो दिस इज कॉनॉट एंड इट्स मीनिंग। अब मैं आपको कन्वे का मतलब बताता हूँ। कन्वे का मतलब सेम है कॉनॉट से। जैसे हम बोलते हैं कि मैं इनसे मिलना चाहता था पर ये अभी गए हुए हैं, तो क्या आप मेरा ये मैसेज उनको कन्वे कर देंगे, क्या ये मेरा मैसेज आप उनको बता देंगे। तो ये भी जो है बताना, या फिर जो फैक्ट जो मेरे पास में है, ये मेरा जो मैसेज है वो उससे आप कनेक्ट कर देंगे, तो दैट इज आपका कन्वे। अच्छा, अब आइए बी जो है हमारा, टू कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर मतलब साजिश। साजिश में भी देखिए कनेक्ट कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जो है रच रहा है, कुछ साजिश रच रहा है, तो उससे कनेक्ट हो रहा है वो, तो उसको भी हम बोलते हैं
साजिश, और कॉन्सपायर का मतलब जो है यहाँ पे है साजिश है। जैसे हमने बोलते हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मतलब बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई है फॉर इंडिया। तो ये वर्ड यूज होता है, इट इज़ अ पाकिस्तानी, इट इज़ पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी, तो दैट इज अपा कॉन्सपायर। देखते हैं आगे हमारा है सी, टू प्रिंट। प्रिंट मतलब प्रिंट करना, तो ये इसका मतलब नहीं है। और टू पे मतलब पैसे किसी को अदा करना, वो भी नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं पे और नोट से, पर यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए, नोट का मतलब है एक पॉइंट। तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया ऑप्शंस के सारे मतलब, और इस वर्ड और इस वाक्य का उपयोग मैंने आपको बता दिया। आपको अगले वर्ड में ले जाता हूँ, एंड दैट इज स्पोर्डिक। और स्पोर्डिक का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये मैंने पेज 203 में जो बता रखा है, तो उसको मैं एक्सप्लेनेशन फिर से इसको रीड आउट कर देता हूँ। स्पोर्डिक का मतलब होता है छिटपुट, मतलब कभी कभी। और इंग्लिश में इसका मतलब है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। सिनोनिम्स है इसके डिजल्टरी, इरेगुलर, ओकेजनल एंड रैंडम। और इसका सेंटेंस प्रयोग आप इसमें दे रखा है बुक में, वो है आफ्टर आर्मी हैज़ बीन डिप्लॉयड इन द सिटी देयर आर स्पोरडिक केसेस ऑफ वायलेंस। मतलब जब इस शहर में आर्मी को तैनात किया गया तब वायलेंस की छुटपुट घटनाएं यहाँ पे हो रही है। तो स्पोर्डिक का मतलब है छुटपुट या फिर कभी कभार। आइए अब मैं सारे जो इसके मीनिंग्स है उस पे मैं आपको ले चलता हूँ। स्पोर्डिक का मतलब है आपका कभी कभार। तो पहला जो है अपना एपिडर्मिक, तो एपिडर्मिक होता है महामारी या फिर छूत की जो बीमारी होती है, जो फैल जाती है एक से दूसरे में महामारी, दैट इज एपिडर्मिक। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ डर्मिक, ये मैंने आपको बुक में बताया था कि डर्म का मतलब जो होता है डर्माटोलॉजिस्ट जैसे है, तो जो स्किन जो होती है उसको हम बोलते हैं डर्मिक, तो उससे बना है एपिडर्मिक, है ना। तो एपिडर्मिक का मतलब होता है महामारी जो फैल जाती है एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे पे, तो दैट इज एपिडर्मिक। तो ये इसका मतलब नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा स्टैगनेंट। स्टैगनेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों? स्टैगनेंट का मतलब होता है जहाँ पानी रुका हुआ हो। जैसे समुद्र है, समुद्र में तो लहरें आती है, वहाँ पे तो पानी, तो भी उसमें पानी चलता रहता है। नदी है, उसमें भी पानी चलता रहता है। पर जैसे आप कोई लेक देखेंगे, लेक देखेंगे या फिर कोई नाली देखेंगे जिसमें पानी जो है स्टैगनेंट है, मतलब सड़ा हुआ, रुका हुआ, उसको हम बोलते हैं स्टैगनेंट। सड़ा हुआ को यूज़ होता है और रुका हुआ चीज होती है उसके लिए भी हम स्टैगनेंट बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है ओकेजनल। ओकेजनल का मतलब होता है आपका कभी कभार, तो स्पोर्डिक से ये मिलेगा। तो इसका सही जो आंसर है वो है मेरा ऑप्शन सी, ओकेजनल। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे है वर्ड हमारा वर्लिंग। वर्लिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्लिंग का मतलब होता है तेज रोटेट करना या फिर तेज घूमने को हम बोलते हैं वर्लिंग। जैसे कि ही वर्ल्ड हिज फेस एंड लुक बैक, वो तेजी से अपने सर को घुमाया और उसने एकदम से पीछे देखा, तो दैट इज आपका वर्लिंग। अब वर्लिंग से रिलेटेड आप वर्ड समझिए कि ये कहाँ से आया है, इसका एक्चुअल जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है। जो वर्ल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जो समुद्र में जो भंवर आते हैं जिसमें आपका इस टाइप से बन जाता है, ठीक है, ऐसे भंवर से आते हैं बीच में से एकदम वो घूमता रहता है तेजी से अपनी रोटे एक्सिस पे, तो उसको हम बोलते हैं वर्लिंग। जैसे होता है आपका वर्लपूल, मतलब तेज घूमना, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। और साथ में मैंने आपको वर्लिंग का भी मतलब बता दिया कि वर्लिंग का मतलब होता है तेज घूमना, जैसे समुद्र में भंवरें आते हैं उसको। अब मैं आपको चौथा जो है वर्ड उस पे ले जाता हूँ, वो है हमारा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट पॉलिसी या फिर सख्त पॉलिसी, सख्त जिसको ले हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंजेंट। तो यहाँ पे है वर्ड इसका मतलब सख्त। जैसे मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट की नोटबंदी की पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिंजेंट थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी कि भाई इस तारीख तक नोट आपके बंद हो जाएंगे या फिर इस टाइप तक आपको ये करना है, तो दैट इज आपका स्ट्रिंजेंट, मतलब आपका सख्ती या फिर कठोर को हम बोलेंगे स्ट्रिंजेंट, ठीक है। फिर है आपका कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब है कि मजबूरी या फिर आपको लेना ही लेना होगा वो चीज़, तो उसके लिए हम बोलते हैं कंपलसरी। तो इट्स कंपलसरी मतलब ये होना ही होना या फिर ये मजबूरी के लिए आपको यूज़ होता है कि दिस इज़ कंपलसरी, दिस कोर्स इज़ कंपलसरी, मतलब ये आपको लेना ही लेना होगा या फिर ये
जो है कंपलसरी है, आपको मजबूरन इसको लेना ही है, तो दैट इज आपका कंपलसरी। अब मैं आपको बात करता हूँ नेक्स्ट वर्ड फार फेच्ड। फार फेच्ड का मतलब होता है वो चीज़ जो इजीली अवेलेबल नहीं है। फेच का मतलब क्या होता है, पकड़ना, और फार का मतलब होता है दूर। तो कोई जिसको पकड़ने जो वो चीज़ बहुत दूर है और उसको पकड़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे फार फेच्ड। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 80 मार्क्स अब एम कर सकता हूँ पर 99 मार्क्स लाना मेरे लिए फार फेच्ड है, ठीक है? तो मतलब जो चीज़ लक्ष्य जो बहुत दूर हो तो उसको हम बोलेंगे फार फेच्ड बोलेंगे। और फिर एक आपका ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है कठोर, जैसे कि हमारी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, सख्त है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है स्ट्रिंजेंट का वो है स्ट्रिक्ट। और एक है एविडेंट। एविडेंट का मतलब आप जानते ही हैं, एविडेंट मतलब इससे साबित होता है या फिर प्रूफ, इसका एविडेंस क्या है, ये एविडेंट है, इस बात का ये एविडेंस है, तो प्रूफ बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे सबूत। तो जो हमारा वर्ड है चौथा स्ट्रिंजेंट, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट। अब मैं बढ़ता हूँ आपको नेक्स्ट वर्ड की ओर, और वर्ड है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है दोस्तों वो बताइए। तो स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्पेसिफिक, स्टार, टेलीफोन और रेंज। तो यहाँ पे आप ये देखिए, आपने जनरली सुना होगा इस बात को कि रेनबो इंद्रधनुष इज द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, जिसमें आपके वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स हैं। तो और एक आपने सुना होगा कि आप बोले कि भाई मेरी क्लास में जो है तमिल भी पढ़ता है, तेलुगु भी पढ़ता है, गुजराती भी पढ़ता है, कर्नाटक भी पढ़ता है, सब लोग राजस्थानी भी पढ़ता है। तो मैं बोलूँगा कि मेरी क्लास में स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल है, मतलब विभिन्न प्रकार के पीपल है, मतलब पूरी रेंज के पीपल है। तो दैट इज़ आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यूज होता है कलर के लिए भी, स्पेक्ट्रम यूज होता है पीपल के लिए भी। तो ये स्पेक्ट्रम का मतलब है आपका विभिन्न प्रकार, या फिर एक रेंज को भी हम बोलते हैं कि सभी प्रकार के लोग, ऐसे ऐसे रेंज हम बोलेंगे। तो अब आइए इसमें अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं स्पेसिफिक हूँ कि मुझे इस बुक से पढ़ना है, या फिर मैं स्पेसिफिक हूँ कि मुझको ये एग्ज़ाम देना है। तो स्पेसिफिक मतलब निश्चित, पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि मैं यार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं सामने वाला बोलेगा भाई कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, बी स्पेसिफिक। तब मैं बोलूँगा भाई मैं SSC CPO का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो दैट इज़ आपका स्पेसिफिक, और ये स्पेक्ट्रम से इसका मतलब नहीं है। बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि स्पेक यहाँ पे भी आ रहा है, स्पेक यहाँ पे भी आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज। स्टार, स्टार का मतलब तारा, टेलीफोन, टेलीफोन हो गया, और रेंज, तो रेंज मतलब हो गई आपकी जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेंज है, मतलब आपके इतने सारे प्रकार के कलर्स हैं या फिर इतने प्रकार के लोग हैं। तो स्पेक्ट्रम का यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमने अभी पांच वर्ड्स समझे हैं, और पांच वर्ड्स के मतलब समझे हैं, साथ ही जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके भी हमने मतलब आपको बताए। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ये ऑप्शंस दे रखे हैं, जितने भी ये वर्ड्स दे रखे हैं, ये आपके ऑफन यूज़ होते हैं आपके न्यूज़पेपर में, आपके एडिटोरियल में, या फिर सिंपल न्यूज़ में भी। और आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बुक में, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स दे रखे हैं, और SSC CPO या फिर CGL के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। और अभी आपने ये करना है कि ये जो आपने पांच वर्ड मैंने अभी आपको कराए हैं, तो इनको आप बस एक एक्सरसाइज ये कर लीजिए कि ईच वर्ड का आप एक बार खुद एक बार सेंटेंस बनाएं, तो फिर मेरी गारंटी है कि आप इस वर्ड को, इन सारे वर्ड्स को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आपने होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि आपने हर एक वर्ड का जो आपने अभी पढ़ा है उस पर आप एक सेंटेंस बनाएं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो इसमें एक पैसेज हमको दिया है, और उस पैसेज के बेसिस पे पांच हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, और जिसको हमको सॉल्व करना है, उसका राइट आंसर हमको मालूम करना है। तो मैंने ये देखा है कि जब भी मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन ये करता हूँ कि आप ये बताइए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने एग्जाम में किया या नहीं किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो स्टूडेंट ये कहता है कि सर हमारा दिमाग पागल नहीं है, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें इतना समय लगता है और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन टाइम आवर है वो बहुत कम होता है, तो उससे अच्छा ये कि हम बाकी सेक्शन करें। तो मैं उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि आप ये बताइए कि अगर ये पैसेज जो आपको इंग्लिश में दिया है, अगर ये पैसेज हिंदी में दिया होता
तो क्या आप इसको अटेम्प्ट करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो कहते हैं कि सर हम कोई पागल नहीं है, जब हिंदी में अगर दे रखा है, अगर हमको समझ में फटाफट उसको पढ़ लेंगे और जो पांच ऑप्शन जो दे रखे हैं वो हम इजीली उसी में उसके आंसर होते हैं, तो उससे बढ़िया या उससे आसान तो कोई चीज़ है ही नहीं इस पूरे एग्ज़ाम पेपर में। तो यहाँ पे जो चीज़ निकल के आती है जो आपको बात समझनी है वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक लेंथी टॉपिक नहीं है, एक ज़्यादा समय वाला टॉपिक नहीं है। जो बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिनका अच्छा होता है वो इसको पांच क्वेश्चन को बनाते ही बनाते ही, तो पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके झोली में आने ही आने हैं। पर बात इसमें यह है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन की आरसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन करना समझना ईजी आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। और आपके पाँच पॉइंट तो पक्के होने ही है। अब इसमें मैं एक बात और कहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप मुझसे पूछे कि सर ये बताइए कि इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करें या इंग्लिश सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सा है, तो मैं हमेशा हर वक्त ये कहता हूँ कि इंग्लिश सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आरसी। क्यों? क्योंकि आरसी से अगर आपका आरसी अच्छा है तो ये तो गारंटी है कि पाँच आपके जो टॉपिक्स है, पाँच जो क्वेश्चंस है वो तो आपके बनने ही बनने हैं। पर अगर आपका आरसी अच्छा होता है दोस्तों तो आपका इसका फायदा होता है, आरसी में तो होता ही होता है, साथ में आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाती है, आपके सिनोनिम और एंटोनिम मतलब कि आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती है, आपकी स्पेलिंग भी ठीक होती है। तो ओवरऑल अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं आरसी में तो पूरी की पूरी इंग्लिश को आप अच्छी बना सकते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एग्जाम में जो है क्वेश्चंस जो है उन्हीं को ही करें, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मेरा मतलब है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, आप नॉवेल्स को पढ़ें, जो पढ़े उसको समझें और अपने दोस्त को या फिर अपने रिलेटिव को समझाएं, जिससे आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर है, आपको जो पढ़ने की स्पीड है वो आपकी तेज़ होती है। और इसके लिए बहुत अच्छी बुक है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ऊपर, 45 डेज एक्शन प्लान टू पावरफुल वोकैब, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप उसको पढ़ते हैं तो ये पांच क्वेश्चन आपके पक्के पक्के बनते ही बनते हैं। तो आइए इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ, इस पैसेज को मैं हल करता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने इस यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे मैंने लिंक दिया है पीडीएफ का, तो उस पैसेज को एक बार आप खुद पढ़िए, जो सवाल दे रखे हैं एक बार उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद पॉज के बाद में उसको बाद में इस वीडियो को आप देखें। तो आइए अब मैं क्या करता हूँ, अगर अगर आपने इसको पढ़ लिया है, खुद से ट्राई कर लिया है, तो आगे मैं इस पैसेज की को पढ़ता हूँ, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ और इनके अर्थ बताता हूँ आपको, इनके सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसमें बात यह है कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम जो है अप्रोच कैसे करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे लगाना है। तो कई जगह ये बताया जाता है कि आप एक काम कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर उस पैसेज को पढ़िएगा, ठीक है? पर इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो अप्रोच है इसमें उल्टी और ज़्यादा समय लगता है। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके आंसर ढूंढेंगे, तो अब आंसर ढूंढने में आपको और समय लगता है, फिर उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसकी बेस्ट जो तरीका है, बेस्ट जो अप्रोच है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो ये है कि अगर आप प्रैक्टिस आपको इतनी अच्छी होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आपने एक बार पैसेज को पढ़ा, पैसेज को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, दिमाग में इंपॉर्टेंट बातों को याद कर लिया या फिर टिक कर लिया, और उसके बाद जैसे जैसे आप सवाल करें तो आपके जो है दिमाग से वो आते जाने चाहिए, या फिर आपको मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ पे लिखा है 30 ग्राम, तो ये 30 ग्राम किस जगह पे लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप आंसर ढूंढें। तो मेन बात यह है कि पैसेज को आप अच्छी तरह पढ़िए, उसको एक बार में ही उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है आरसी की। अब मैं आपके लिए पैसेज को रीड करता हूँ और साथ में ही उसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो इतना घबराते हैं आरसी से कि वो छोड़ ही देते हैं। तो मैं आज उनको ये बताऊंगा इस माध्यम से कि देखिए बहुत आसान चीज़ है, और देखिए पांच क्वेश्चंस आपके बहुत इजी इजी है जो आपकी झोली में आने ही आने। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। फैट कम्स इन टू टाइप्स, फैट आप जानते हैं वो दो टाइप से होता है, एक होता है ओमेगा 3 विच इज़ फाउंड इन मेरीन लाइफ, और एक है ओमेगा 6 विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन वेजिटेबल ऑयल। तो दो प्रकार के फैट है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो है वो समुद्री जीवों में पाया जाता है, और ओमेगा 6 जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स में, वनस्पति तेल में पाया जाता है। द फर्स्ट इज गुड, मतलब ओमेगा 3 इज गुड, द अदर इज प्लेन रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा मतलब गंदा। तो ओमेगा 3 तो अच्छा है बट ओमेगा 6 गंदा है। द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज प्रेफरेबली सी फिश, तो ओमेगा 3 का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है समुद्र की मछली। बट फ्राइंग इट इन ओमेगा 6 रिच वेजिटेबल ऑयल किल्स ऑल इट्स गुडनेस, पर अगर हम
उस फिश को अगर हम ऐसे वेजिटेबल ऑयल में करें जिसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है, तो उससे उसकी जो अच्छाई है ओमेगा 3 की, वो भी नष्ट हो जाएगी। आइए आगे लिखा है, एजिंग ब्रेन्स हैव लो लेवल ऑफ थायमिन। एजिंग मतलब जिसकी में काफ़ी एज हो जाती है, काफ़ी जैसे बुढ़ापा टाइप, तो उम्र के बाद ब्रेन में जो थायमिन है उसका स्तर काफ़ी घट जाता है, विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन व्हीट, जर्म एंड ब्रान, नट्स एंड मीट्स एंड सीरियल्स। वो इन ब्रान, नट्स, मीट्स एंड सीरियल्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोर गुड ब्रेन फूड कम्स फ्रॉम लीवर, मिल्क एंड एलमॉन्ड्स। और जो ब्रेन के लिए जो अच्छा जो फूड है वो है लीवर है, मिल्क है, एलमॉन्ड्स मतलब बादाम, विच आर रिच इन राइबोफ्लेविन एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर मेमोरी, जिसमें राइबोफ्लेविन भी प्रचुर मात्रा में है जो कि हमारी याददाश्त के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैरोटीन अवेलेबल इन डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट इज ऑल्सो गुड फॉर जेरिएट्रिक ब्रेन्स। कैरोटीन जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फलों में है, वो भी जेरिटिक ब्रेन के लिए अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे सर, जेरिएट्रिक का मतलब नहीं पता, हम क्या करें, मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं, पर आप देखिए इसको, आप पैसेज को आप पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे जेरिटिक का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, और पहले बात हो रही है एजिंग ब्रेन की, तो कहीं ना कहीं उनकी बात हो रही है जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनके लिए बात चल रही है। और लास्ट में कह रहे हैं कि कैरोटीन जो है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट में है वो भी जेरिएट्रिक ब्रेन के लिए अच्छा है, मतलब जिन एजिंग ब्रेन के लिए अच्छा है, तो ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, आगे है सो इज़ अ हाई आयरन डाइट। तो इस आयरन कम्स फ्रॉम ग्रीन्स, लीवर, शेल, फिश, रेड मीट एंड सोयाबीन। आयरन जो है लोहा जो बॉडी के लिए चाहिए होता है वो शेल फिश, रेड मीट, सोयाबीन में पाया जाता है। सी फूड वेरी हाई इन आयरन इज एन एक्सीलेंट डाइट सप्लीमेंट। सी फूड में बहुत आयरन होता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन रिपोर्टेड इन इट्स मे 1985 इशू दैट 30 ग्राम्स ऑफ अ फिश अ डे कुड रिजल्ट इन अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन द चांसेज ऑफ एक्वायरिंग अ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। जो एक जर्नल है वो ये कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ फिश अ डे अगर आप खाते हैं तो ड्रामेटिक ड्रॉप मतलब एक ड्रामेटिक मतलब बहुत तेज या फिर एक अद्भुत गिरावट आएगी किसमें, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, रक्त और रक्त की जो धमनियां होती है जो पाइप्स होते हैं उसमें। सी फिश पर्टिकुलरली शेल फिश, क्रैप्स, मैकरल एंड सैरडिन्स आर मोर इफेक्टिव देन रिवरीन फिश बिकॉज द लेटर इज मोर वल्नरेबल टू अ केमिकल एफ्लुएंस। सी फिश पर्टिकुलरली शेल फिश, क्रैप्स जो है ज़्यादा इफेक्टिव है नदियों की मछलियों से, बिकॉज जो नदियों की जो मछली है वो वल्नरेबल है, मतलब उनको ज़्यादा खतरा होता है या फिर ज़्यादा उनसे केमिकल एफ्लुएंस उसमें हो सकता है, तो वल्नरेबल मतलब होता है कि जो उसे अफेक्ट हो जाता है इजीली उसको बोलते हैं हम वल्नरेबल। तो आपने देखा ये पैसेज आपने पढ़ा, ओमेगा 3 ओमेगा 6 की इसमें बात की गई है और आयरन की भी बात की गई है और एक जनरल के बारे में बात बताई गई है इसमें, ठीक है। मेन मेन पॉइंट्स आपने पढ़ने, फटाफट इसको पढ़ने, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझने की जो कैपेसिटी है वो तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं, आप देखेंगे पाँच सवाल, पाँचों के पाँचों सवाल आपकी झोली में आ जाएंगे। अभी देखिए पहला सवाल है, एलिमेंट्स आर रिच इन राइबोफ्लेविन एंड आर गुड एस। तो आपने क्या पढ़ा था, ये मेमोरी के लिए पढ़ा था, ये आपका आप यहाँ पे देखिए विच विच ये आपका पांचवी छठी लाइन है, और विच आर रिच इन राइबोफ्लेविन एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर मेमोरी। तो आपने फटाफट ऑप्शन लगाना है ऑप्शन डी, और ये तो वैसे ही जाहिर सी बात है बादाम के लिए बोलते हैं, याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे जेरिएट्रिक्स पर्टेन्स टू, जेरिएट्रिक का मतलब पूछा गया है और हमको चार विकल्प दे रखे हैं। जेरिएट्रिक मैंने अभी आपको समझाया था ये पैसेज, तो बताया था कि इसका रिलेशन जो है उस ब्रेन से है जिसकी काफ़ी एज हो गई हो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देखेंगे ओल्ड पीपल, ये इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम था, बट क्योंकि इसको आपने पैसेज को पढ़ा और वहाँ पे ऑल्सो वर्ड लिखा हुआ था और कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो मैं समझ गया कि जेरिएट्रिक से मतलब ओल्ड पीपल है। अब न्यू बॉर्न बेबी जो भी नवजात शिशु है, एडोलसन आपके युवा हो गए, और टॉडलर्स, टॉडलर्स वो होते हैं जो 1 से 3 साल के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं टॉडलर। जैसे आपने सुना होगा स्कूल फॉर टॉडलर्स, प्ले स्कूल फॉर टॉडलर्स, टॉडलर्स मतलब वो बच्चे जिनकी एज 1 से 3 साल है। तो इसमें आपने 157 में इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी।
अब आइए 158 में, 30 ग्राम ऑफ फिश अ डे कुड रिजल्ट इन, हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उसमें गिरावट आ जाएगी। तो देखिए इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज तो है नहीं, अच्छा लंग भी नहीं हो सकता, बात थी हार्ट की, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, यहाँ पे ड्रॉप लिखा है। तो ऑप्शंस में एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए तो आप इजीली उसको कर पाए जिससे। तो इसमें ये लिखा है, ए ऑप्शन में है एन इंक्रीज इन चांसेस ऑफ हार्ट डिसीजेस, सेकंड है अ ड्रॉप इन चांसेस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर, अ ड्रॉप इन चांसेस इन गेटिंग हार्ट डिसीजेस, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें, एंड डी जो है वो है एन इंक्रीज चांस ऑफ एक्वायरिंग लंग डिसीजेस। तो ये भी नहीं है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए बहुत आसानी से बन गया पैसेज, आपने समझा, अगर आप पैसेज की हिंदी कर पाते हैं तो ये 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपके ग्रामर से कर सकते हैं, आपके सिनोनिम से कर सकते हैं, पर ये गारंटी है कि अगर आपने इसकी हिंदी कर ली तो ये 5 मार्क्स आपके है ही, ये कहीं नहीं जाने वाले आपके। अब देखिए 159th क्वेश्चन है, कार्डियोवास्कुलर रिलेट्स टू, और चार ऑप्शन दे रखे हैं, द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, द हार्ट एंड टेंडन्स, द हार्ट एंड मसल्स एंड द हार्ट एंड कैट्रिलेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वेसल, इसका जो ऑप्शन ए है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा 9th क्लास 8th क्लास में हार्ट के बारे में, तो वस्कुलर यूज़ होता है आपके ब्लड वेसल्स के लिए यूज़ होता है, तो कार्डियो वस्कुलर, और कार्डियो का मतलब जैसे मैंने आपको वाली बुक में बताया था 21 डेज एक्शन प्लान टू पावरफुल बुक है, तो कार्डियो का मतलब हार्ट से है, ठीक है, तो हार्ट एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब आइए हमारा क्वेश्चन है 160, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट इज फाउंड इन, ये तो हमने सेकंड लाइन में लिखा था, सी फिश में होता है ये तो, यस ये हमारा इसका है ऑप्शन ए है, और ये आप देखिए इसकी जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है वो है द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज प्रेफरेबली सी फिश, तो आपने ये ऑप्शन क्लिक करना है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताई बात इसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें 5 मार्क्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, बल्कि साथ में आपकी आरसी ग्रामर सिनोनिम वोकैब स्पेलिंग सब अच्छी होती है आरसी पढ़ने से। आरसी पढ़ने के लिए ना केवल आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कीजिए, बल्कि साथ में जो आपके क्वेश्चंस, जो आपके नॉवल्स हैं, आपके जो न्यूज़पेपर है, और जो हमारी बुक है 45 डेज सेक्शन प्लान टू पावरफुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको आप ज़रूर पढ़ें। और इसमें बात यह है कि आपने अप्रोच क्या रखनी है कि एक बार उस आर्टिकल को पढ़ना है, उसकी हिंदी करते हुए जाना है, मन में उस चीज़ को रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर आपने क्वेश्चंस में आना है, क्वेश्चन को करते हुए अगर आपकी याददाश्त अच्छी है, आपने फटाफट प्रैक्टिस करी है, तो आप 5ों के 5ों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं।